2008 साल में उसने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का दिल जीत लिया। महज 8 साल में उसने सिक्स पैक एप्स बना लिए। छोटी सी उम्र में ही उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा है। कौन है देश की ये होनहार बेटी, आइए आपको इस पॉकेट रॉकेट से मिलवाते हैं। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक, 48 मिनट में 10 किलोमीटर की रेस, नासुक सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत, जो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती। ये है पूजा बिश्नोई, जिसने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा है। पूजा के सपने को साकार करने में उसकी मदद कर रहा है विराट कोहली फाउंडेशन। उसके स्कूल की फीस से लेकर प्रैक्टिस का पूरा खर्च वही उठा रहा है। इस उम्र में इतनी मेहनत और शरीर को तपाने की क्षमता से प्रभावित होकर विराट कोहली पूजा को पॉकेट रॉकेट के नाम से बुलाते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और वो भी एथलेटिक्स में, कोई मजाक नहीं। यही वजह है कि पूजा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह 3 बजे उठकर 3 बजे से 7 बजे तक वो ग्राउंड में पसीना बहाती हैं, फिर स्कूल जाती हैं और वहाँ से आते ही 2 घंटे की रेस्ट के बाद और फिर से ग्राउंड में प्रैक्टिस करने पहुँच जाती हैं। हर दिन लगभग 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पूजा बिश्नोई जैसी बेटियां तैयार होती हैं। पूजा के कोच उसके मामा हैं, पिता किसान हैं और माँ गृहिणी। पूजा ने जोधपुर मैराथन में 48 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड बनाया। पूजा के साथ उसका 6 साल का छोटा भाई कुलदीप भी खेल में कैरियर बनाने को लेकर अपनी बहन के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। दोनों भाई बहन पुशअप लगाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। पूजा के साथ उसकी मौसी की 3 साल की बच्ची भी दौड़ लगाती है, पूजा की तरह ही प्रैक्टिस करती है। पूजा को देखकर उसके गांव और स्कूल की कई लड़कियां उसके जैसी बनना चाहती हैं। विराट कोहली फाउंडेशन ने पूजा को जोधपुर में एक फ्लैट भी दिया है, जहां रहकर वो अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी तरह कर सकती हैं। देश की सभी लड़कियों से पूजा कहती हैं कि उन्हें मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई उन पर बुरी नजर न डाल सके। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ आज तक ब्यूरो। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। इस बीच बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमला हुआ। बीती रात अर्जुन सिंह की कार पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें उनकी कार का शीशा टूट गया। अर्जुन सिंह ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के बाद अर्जुन सिंह थाने पहुंचे और पुलिस से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पुलिस अधिकारी को अपनी कार की हालत दिखाई। कार के जिस हिस्से की कांच टूटी थी, उसी तरफ अर्जुन सिंह बैठे थे। उनकी माने जब वो भाटपारा स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार पर बड़ी बड़ी ईंटों से हमला किया गया। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे, तब तक एक बम धमाका हो गया। इस हमले के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तृणमूल कांग्रेस का तांडव पूरा भारत देख रहा है। चारों तरफ आगजनी, आग लगाना, बीजेपी के कर्मियों का घर लूट लेना, घर जलाना, सब जगह चल रहा है। ट्रेन लूट लेना, ट्रेन जला देना, यहाँ तक कि ममता बनर्जी पहले जो लोगों को उकसा रही थी, अब उनको भी समझ में आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकल गया। अर्जुन सिंह ने बताया कि वो जैसे ही कार से उतरे, तो सड़क पर गिरे एक शख्स को देखा। उसकी टांग टूट गई थी। पत्थरबाजी में शामिल होने के बावजूद मानवीय आधार पर अर्जुन सिंह ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि नागरिकता बिल के विरोध में एक खास समुदाय के लोग जमकर हिंसा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से लुंगी और टोपी पहन के लोग आगजनी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस क्या बोलते हैं उसको चुपचाप तमाशा देख रही है। अर्जुन सिंह का कहना है कि पहले लोगों को उकसाने वाली ममता बनर्जी अब शांति की अपील कर रही हैं।
इससे पहले भी अर्जुन सिंह हमले का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के तहस नहस होने का दावा कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बैरकपुर से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंबा के डलहौजी में बर्फबारी के बाद कई पेड़ गिर गए, बिजली के तार भी टूट गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं रास्ता बंद होने से पर्यटक भी फंस गए हैं। बर्फबारी के बाद बड़ी आफत, धराशायी पेड़ों ने रोका रास्ता। कार पर गिरा पेड़, निकला कचूमर। चंबा के डलहौजी में बर्फबारी का कहर। ये दिसंबर की सितम है, जबकि जनवरी और फरवरी बाकी है। हिमाचल के चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर डलहौजी में बर्फबारी ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे हैं और रास्ता बंद हो चुका है। पेड़ों के गिरने का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। बत्ती गुल है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग यहाँ इतनी डलहौजी में बर्फ गिरी है कल और परसों रात से, इसमें हम लगातार बिजली को समस्या को, बिजली की जो लाइनें टूटी है उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बर्फबारी का मजा लेने आए पर्यटक रास्ता बंद होने की वजह से अब यही फंस गए हैं। कुछ पर्यटकों के ठिकाने अब सुरक्षित नहीं, ऐसे में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। चंबा में पिछले दो दिनों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, इसने आम जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बड़ी समस्या रास्तों के बंद हो जाने और बिजली ठप पड़ जाने से हुई है। दोनों को ही बहाल करने की कोशिश जारी है। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। डलहौजी से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के तीन पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। क्या उत्तराखंड और क्या कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश, हर ओर सफेद समंदर ही नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कई जिलों में स्कूलों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब की बार बर्फबारी जोरदार। इन तस्वीरों को देखकर आप उत्तर के तीन पहाड़ी राज्यों में यही नारा गूंजेगा। आसमान से ठंडी सफेद फाहों का गिरना एक बार शुरू हुआ जो अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे बुरा हाल उत्तराखंड का है, जहां का खंड खंड बर्फ की बोझ में दबता जा रहा है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर रुद्रप्रयाग की चोपता का नजारा देखिए। यहाँ आंखों को सफेद के अलावा कुछ और नहीं दिखता। चोपता में 4 फीट तक बर्फबारी हुई, सैलानियों को तो मानो जन्नत का दीदार हो गया। उत्तराखंड के दूसरे शहरों का हाल देखिए। धनौल्टी, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिसंबर से पहले ही यहां आसमान ने बर्फ की इतनी भारी खेप सौंप दी है। टिहरी में तो हाल बुरा है, जबकि उत्तरकाशी में बर्फ जमा होने से जसपुर, हर्षिल, धराली, मुखवा और गंगोत्री धाम में लोग 3 दिनों से घरों में कैद हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मौज टूरिस्ट की हो रही है। टिहरी में सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, तो अल्मोड़ा में स्नोफॉल से ट्रैफिक जाम के हालात हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का हाल भी अच्छा नहीं है। अलग अलग शहरों और जिलों से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको भी सर्दी लगनी शुरू हो गई होगी। भले ही आप दिल्ली में हो या मुंबई में या फिर केरल में, हिमाचल के धर्मशाला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। परेशानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है सोमवार तक आसमान से बर्फ का गिरना यूं ही जारी रहेगा।
उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, धनौल्टी से सुनील सिलवाल और पुंछ से राही कपूर के साथ अशोक रैना, धर्मशाला आज तक। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद 6 किलोमीटर तक सड़क पर बर्फ जम गई। कई इलाकों में 1.5 से 3 फुट तक जमी बर्फ के चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। ऐसे में लोगों को पैदल ही अपनी मंजिल तक जाना पड़ रहा है। आखिरकार लाहौल के मालंग पंचायत के युवाओं ने 6 किलोमीटर सड़क को बर्फ से हटा दिया। करीब 22 युवक बेलचा लेकर बीते शुक्रवार से 6 किलोमीटर सड़क को बहाल करने में जुट गए थे। इन सभी ने 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार दोपहर बाद सड़क से बर्फ हटा दिया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सके और वाहनों को मुख्य सड़क तक पहुंचाया। दिसंबर के महीने में ठंड ने पहाड़ी इलाकों में विकराल रूप ले लिया है। आसमान से बर्फ सफेद आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों का पूरा हाल है। हिमाचल में आसमान से मुसीबत बरस रही है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हालात की कहानी बयां कर रही हैं। देखिए कैसे शख्स नाली समेत निचले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, इससे तापमान में भारी गिरावट आ गई। कल से मनाली समेत कुल्लू जिला के इलाकों में बारिश शुरू हो गई और रात करीब 8 बजे से मनाली शहर समेत कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पिछले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चंबा जिले की बात ही कुछ और है। गुरुवार शाम से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद पूरा चंबा सफेद हो गया है। इससे कई मुसीबतें भी खड़ी हो गई हैं। चंबा के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी के डायन कुंड में 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। जगह जगह पेड़ गिरने से शुक्रवार दोपहर से ही यहाँ बिजली गुल है। शुक्रवार को मौसम का मिजाज देखते हुए चंबा प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। चंबा जिले के डलहौजी, हिस्सा, भरमौर और पांगी में हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हिमाचल के धर्मशाला में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद शीतलहर ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फबारी के बाद शहर की सड़कें सूनी हो गई। धर्मशाला कैंट इलाके से गाड़ियां धर्मशाला शहर की ओर बढ़ने लगी ताकि वो बर्फ में ना फंस जाएं। गुरुवार से ही धर्मशाला में बारिश हो रही थी, लेकिन शुक्रवार शाम बर्फबारी शुरू हो गई। धर्मशाला में अशोक रैना और चंबा में विशाल आनंद के साथ मनमिंदर अरोड़ा, मनाली आज तक। हिमाचल की तरह उत्तराखंड के पहाड़ों का भी बुरा हाल है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से पारा बहुत नीचे गिर गया है। केदारनाथ धाम में भी तीसरे दिन संचार और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। वहीं दूसरी ओर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला चोपता दुगलबेटा बर्फबारी से लद गया है।
बर्फबारी के चलते चोपता बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर आवाजाही ठप पड़ी हुई है। गाँव वाले बर्फबारी की वजह से अपने घरों में कैद हो गए हैं। टिहरी जिले के निचले हिस्से में पिछले 48 घंटे से बारिश जारी है, तो वहीं पहाड़ी हिस्से में बर्फ ने कोहराम मचा रखा है। बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या घर की छतें, खेत खलिहान, जहां भी नजर डालिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी हिमपात को देखते हुए टिहरी प्रशासन ने 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का आदेश दिया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी घनसाली के चिरबिटिया, गंगी, हिंदाव, मंदार, सेमुखेम और पिंसवाड़ में हो रही है, जहां लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते जिले भर के 5 लिंक रोड बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए चलिए, पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी का दौर जारी है। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, गाड़ी की छत बर्फ से ढकी है, दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। नैनीताल का हाल भी बेहाल है। कई सालों बाद इस वक्त नैनीताल में इतनी बर्फ देखने को मिल रही है। अमरोहा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में रात में फिर भारी हिमपात हो गया। यहाँ के चंपावत और नैनीताल को जोड़ने वाले मार्ग में हिमपात के बाद सड़कों पर पेड़ गिर गए, जिससे यहाँ से आने वाले लोग रास्ते में ही फंस गए। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के माध्यम से रात में बड़ी मुश्किल से पेड़ों को काटकर रास्ता सुचारू किया, और अभी भी जिले के कई मार्ग भारी हिमपात की वजह से चलने लायक नहीं है। इसके लिए मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शालीमार बाग में एक मकान में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में राजधानी में भीषण आग की तीसरी घटना है। पहली मंजिल से निकलते आग के इन्हीं शोलों ने 3 बुजुर्ग महिलाओं को जिंदा जला डाला, वहीं 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार शाम इस इमारत में अचानक आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को जानकारी भेजी गई, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने और रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। फायर की 9 टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इनको बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे। 7 लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इनमें से 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। घायलों में 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि आग किचन से शुरू हुई थी और उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से फैली थी। इस पूरे मामले में एक फायर कर्मी जो था वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ है, वो भी आग की चपेट में आ गया था। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो मकान है जिसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की ये जो घटना है कितनी भयावह थी। जिस इमारत में आग लगी वो बहुमंजिला है, बेसमेंट में पार्किंग है, जबकि ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिल बनी है, जिनमें अलग अलग परिवार रहते हैं। शाम करीब 6 बजे पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग की शुरुआत रसोई से हुई, जिसने कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद कुछ लोग तो बाहर निकल आए, लेकिन सीढ़ियों पर धुआं भर जाने से कुछ लोग अंदर ही रह गए। धुआं भर गया था पूरी बिल्डिंग में। हेल्प भी की लोगों ने, निकालने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं निकल पाए, धुआं बहुत ज्यादा। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही लोगों को निकालना शुरू किया। 3 बच्चों समेत कुल 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल भेजा गया, जहाँ 3 महिलाओं की मौत हो गयी। रेस्क्यू के दौरान एक फायर कर्मी भी घायल हुआ है। दिल्ली में हफ्ते भर के भीतर आग की ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें जान का नुकसान हुआ है। इससे पहले अनाज मंडी में लगी आग ने 43 लोगों को बेमौत मारा था। दिल्ली से राजेंद्र स्वामी के साथ पुनीत शर्मा, आज तक ब्यूरो।